अच्छा बताओ, दुख होना सही, दुख होना जरूरी है या नहीं? बताओ दुखों की क्या जरूरत है? बताओ दुख क्यों है? आप बताओ दुख क्यों है? भगवान चाहते तो सुखी सुख होता, कोई दुखी ना होता। बताओ फिर दुख क्यों बनाया भगवान ने? दुख की रचना क्यों की भगवान ने? उत्तर दो। अरे उसके टैबलेट में ना वो आइसक्रीम रिकॉर्डर है, सब इसका कहते हैं ना, ब्लूटूथ कनेक्ट आता है, वो सब आता है। जीवन में दुख ना होता तो सुख की कोई वैल्यू ही ना होती। जीवन में दुख ना होता तो सुख का कोई महत्व होता? आज सुख के महत्व को लोग इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि जीवन में दुख आता, और दुख इसलिए है कि उस दुख में आप भगवान को याद ज्यादा करते। ईश्वर का स्मरण उस समय दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, इसलिए ईश्वर ने बैलेंस बनाया। जरूरी है, सोचो कि दुख ना होता, स्त्री को बच्चा पैदा करने में सुख होता है कि दुख? बोलो, स्त्री को बच्चा पैदा करने में सुख होता है कि दुख? जोर से, जोर से। दुख होता है, कितना तड़पती है, मछली की तरह छटपटाती है, प्रसव की पीड़ा आप सारी स्त्रियां जानती हैं। अथाह दुख होता है, अपार दुख होता है, लेकिन उस दुख के बाद जब सुख मिलता है पुत्र का, तब वो सुख ज्यादा प्यारा लगता है। सोचो कि आपको प्रसव का दुख ना होता तो शायद तुम्हारे बच्चों से तुम्हारी इतनी ममता ना होती, इतना अटैचमेंट ना होता। आप 1,000 रुपए कमाइए मेहनत करके, और आपको रास्ते में 1,000 रुपए पड़े हुए मिल जाएं, तो रास्ते पड़े हुए 1,000 मिल जाएंगे वो, और मेहनत करके जो आपने 1,000 कमाया है वो, दोनों में अंतर होगा। हाँ, या ना? दुख से मिली चीजों में जो सुख है था, इसलिए भगवान गोपियों के संग जब रास रचा रहे थे ना, तो रास रचाते रचाते भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए, अंतर्धान हो गए, चले गए। गोपियां छटपटाती रहीं, तड़पती रहीं, रोती रहीं, बाद में आ गए। क्यों गए थे? जब आना था तो गए क्यों थे? बोले जाते नहीं तो मिलने की इतनी उत्कंठा जो अब जागी है, वो उत्कंठा तो पहले थी ही नहीं। वियोग के बाद संयोग का जो सुख है वो अलग, बिछड़ने के बाद मिलने का जो सुख है वो मिलते मिलते का सुख नहीं है। आप अपनी माँ से या आप अपनी पत्नी से रोज मिलते, रोज के मिलने में वो सुख नहीं है, जब आप सालों बाद अपनी पत्नी या अपनी माँ के पास या अपने बच्चों के पास आते हैं, सालों बाद जब आप ड्यूटी पूरी करके अपना काम पूरा करके जब आते हैं अपनी माँ के पास, सालों बाद जब माँ से मिलते हैं, तो वो मिलना वो बिछड़ने के बाद मिलन है, वो वियोग के बाद संयोग है। आपके बच्चे सालों से आपसे दूर थे, आज आप मिले हैं, तो वियोग के बाद जो संयोग होगा, उस संयोग में जो आनंद है वो अलग आनंद है। हाँ या ना? आप मान रहे हैं इस बात को कि वियोग के बाद संयोग का सुख अधिक होता? हाँ या ना? नहीं आ रही है बात समझ में? इसलिए सुख है तो दुख भी बनाया ईश्वर ने, बैलेंस, ताकि प्रकृति को पाताल बनाए तो आकाश बनाई, माँ बनाए तो बाप बनाए, भाई बनाए तो बहन बनाई, सिर बनाया तो तलवा बनाया भगवान ने, दिन बनाई तो राज बनाया, धर्म है तो अधर्म है, पुण्य है तो पाप है, स्वर्ग है तो नरक है, बैलेंस, क्योंकि एक के बिना दूसरे को जाना नहीं जा सकता। स्वर्ग की कीमत तब ज्यादा होती है
जब नरक का दर्शन हो जाए, ये नरक है, तब स्वर्ग, अरे भैया ये नहीं, ओ और डायरेक्ट कोई स्वर्ग जाए और नरक जाए ही ना, अरे स्वर्ग तो स्वर्ग कोई वैल्यू नहीं होगी, पर उसके बाद वो ज्यादा कीमत होगी। बैलेंस समझ में आ रही है, गोपियां भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, तो आप अपने पति की सेवा करती हो मैया? आप सेवा करती हो? एकदम अजीब है इसका मुंडा, किसकी तरह सेवा करती हो? किसकी तरह? भगवान की। आपका पति कौन है? ऑप्शन चार, 5 करोड़ का सवाल पूछ रहा हूँ। आपका पति आपके लिए क्या है? देवता है, भगवान है, राक्षस है, या दो पौड़ी का है? क्या आपका पति आपके लिए क्या है मैया? बताओ आपका पति आपका क्या? राक्षस? आप बताओ आपका पति आपके लिए क्या? मेरा पति मेरा देवता। आपका पति आपका क्या? राक्षस। राक्षस है महाराज, एक नंबर का, उसको देवता कैसे कहें? पति कैसा भी हो बिन परमेश्वर सूना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सूना पति बिना संसार पति के बिना संसार सूना है पति ही जप है पति ही तप है पति ही है करतार पति से ही पत इस तन की है पति बिन विपति हजार सोना पति बिना संसार। नारी के कितने व्रत होते हैं? एक पति व्रत रहे जगत में सब व्रत है बेकार। नारी का एक ही व्रत है केवल पति व्रत, कोई व्रत ना करे नारी, केवल पति की सेवा करे तो पति की सेवा के बल पर उसे भगवान मिल जाते हैं, और कुछ करने की जरूरत। एक पति व्रत रहे जगत में सब व्रत है बेकार, बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना पति बिना संसार। पति की सेवा किया करो मेरी माँ। कई बार कई स्त्रियां पति की वैल्यू नहीं समझती, जब तक पति जिंदा है आप पति की इज्जत नहीं करती, पर पति जब नहीं रहता तब पता लगता है कि पति कितना कीमती था, कितना अनमोल था। पत्नी भी अनमोल है, जब तक पत्नी जिंदा होती है पति को पत्नी की वैल्यू नहीं होती, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, मर जाएगी उसके बिना रहोगे तो पता चलेगा कि उसकी उपस्थिति कितनी अच्छी थी, उसका जाना कितना दुखद है। इसलिए रिश्तों को ना समय दिया करो, तो कर पत्नी को समय दो, पति को समय दो, और प्यार से रहो। जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी।